तो भाई हमारे पास यहाँ पे एक मुनसिफाना यानी फेयर सिक्का है। सिक्के को जब हम उछालेंगे तो हमारे पास हेड्स भी आ सकता है या टेल्स भी आ सकता है, या अगर हम अपने 5 रुपए का सिक्का उछालें तो एक तरफ चांद होता है और दूसरी तरफ 5 लिखा होता है। लेकिन फिलहाल हेड और टेल की ही बात करते हैं, क्योंकि जब भी आप इम्तिहान देने जाएंगे तो आपसे हेड्स और टेल्स की ही बात की जाएगी। खैर, तो यहाँ पे इस सिक्के को जब हम उछालते हैं तो बताएं ज़रा कि हेड आने के इम्कान क्या होंगे। बात यह है कि ये मुनसिफाना सिक्का है, इसलिए हेड आने के इम्कान भी उतने ही होंगे जितने के टेल्स आने के इम्कान होंगे। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही मुमकिन आते हैं, यानी या तो फिर हेड आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है, कोई तीसरी चीज़ तो है नहीं, इसलिए हमारे फ्रैक्शन के निचले हिस्से में हम 2 लिखेंगे। और चूँकि यहाँ पर सिर्फ एक ही हेड है, इसलिए हम फ्रैक्शन के ऊपरी हिस्से में 1 लिखेंगे। तो भाई जब हम सिक्के को उछालते हैं तो सर आने का इम्कान यानी हेड आने का इम्कान 1/2 के बराबर होता है। इसी तरह दुम के आने का इम्कान यानी टेल्स के आने का इम्कान बराबर होगा 1/2 के, क्योंकि भाई टेल भी सिर्फ एक ही दफ़ा आ सकता है और यहाँ पे भी हमारे कुल मुमकिनात 2 के बराबर हैं। अच्छा, जब हम सारे इम्कानात को आपस में जमा करते हैं तो हमारे पास 1 आना चाहिए। तो ज़रा देखते हैं कि इन दोनों को जमा करके हमें 1 मिलता है या नहीं। 1/2 + 1/2 बिल्कुल 1 के ही बराबर होते हैं। अच्छा, अब ज़रा चीज़ों को उलझाते हैं। मान लेते हैं कि मैं सिक्के को 1 नहीं बल्कि 2 दफ़ा उछालती हूँ, तो इस सूरत हाल में 2 दफ़ा हेड आने का क्या इम्कान होगा? भाई इस सवाल के जवाब तक पहुँचने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हम सब मुमकिनात को देख लें, यानी जब हम 2 दफ़ा यही सिक्का उछालेंगे तो ये भी हो सकता है कि हमारे पास दोनों दफ़ा हेड्स आए, ये भी हो सकता है कि हमारे पास पहली दफ़ा हेड्स आए और दूसरी दफ़ा टेल्स आए, ये भी हो सकता है कि पहली दफ़ा टेल्स आए और दूसरी दफ़ा हेड्स आए, और ये भी हो सकता है कि हमारे पास दोनों ही दफ़ा टेल्स आए। यानी 2 दफ़ा सिक्का उछालने पर हमारे पास कुल 4 मुमकिनात आ जाती हैं, और इसलिए फ्रैक्शन के निचले हिस्से में इस दफ़ा हम 4 लिखेंगे। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं कि ये सूरत हाल कितनी दफ़ा बनती है। भाई ये सूरत हाल सिर्फ 1 ही दफ़ा बनेगी, और यूँ फिर 2 दफ़ा सिक्का उछालने पे 2 दफ़ा हेड्स आने का इम्कान बराबर होगा 1/4 के। भाई ये पूरी मिसाल असल में दिखा रही है इंडिपेंडेंट इवेंट्स को। उर्दू में इस बात को हम आज़ाद हादसा भी कह सकते हैं, और इस सूरत हाल का ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ दूसरी चीज़ के होने का इम्कान पहली चीज़ के होने के इम्कान पे मुनहसर यानी डिपेंडेंट नहीं है, और इसी तरह पहली चीज़ के होने के इम्कान भी इस दूसरी चीज़ के होने के इम्कान के ऊपर मुनहसर नहीं है, इसलिए ये दोनों हादसात एक दूसरे से बिल्कुल आज़ाद हैं। तो अगर आप एक सिक्का उछालते हैं तो उस पर सर आने का इम्कान और सर ना आने का इम्कान हर बारी में 1 जितना ही होगा। अब भाई अगर हमारे पास आज़ाद हादसात हैं तो इस सवाल के जवाब तक हम दूसरे तरीके से भी पहुंच सकते हैं, और वो तरीका ये है कि हम पहली चीज़ होने के इम्कान को ज़रब दे दें दूसरी चीज़ के होने के इम्कान से, यानी यहाँ हम पहला सर आने के इम्कान को ज़रब दे रहे होंगे दूसरे सर आने के इम्कान से। पहली दफ़ा जब सिक्का उछालते हैं तो सर आने का इम्कान 1/2 के बराबर होते हैं, और दूसरी दफ़ा भी जब हम सिक्का उछालते हैं तो सर आने के इम्कान 1/2 ही रहते हैं। यूँ फिर हम 1/2 को 1/2 से ज़रब दे देंगे, और ऐसे भी हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 के ही बराबर आ जाएगी। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि बात को मज़ीद उलझाते हैं। तो इस दफ़ा हम 3 दफ़ा सिक्के को उछालेंगे और फिर मालूम करते हैं टेल हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी को। अच्छा, इस तरह की सूरत हाल में ख्याल रखिएगा कि हम तरतीब को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमें बिल्कुल इसी तरतीब की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। अब आप चाहें तो पहले तरीके से जवाब मालूम करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए भाई आपको 3 सिक्के उछालने पे जितनी मुमकिनात बन सकती हैं पहले वो लिखनी होंगी, और फिर देखना होगा कि इस तरतीब की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है। या फिर हम दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इसके मुकाबले में बहुत आसान है। तो इसके लिए पहले हम पहली दफ़ा टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी को ज़रब दे देंगे दूसरी दफ़ा हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी से, और इन दोनों को ही हम फिर ज़रब देंगे
तीसरी दफ़ा टेल्स आने की प्रॉबेबिलिटी। भाई हर दफ़ा जब हम सिक्का उछालते हैं तो टेल्स आने की प्रॉबेबिलिटी 1/2 के ही बराबर होती है, और हर बारी में हेड्स आने की प्रॉबेबिलिटी भी 1/2 के बराबर होती है। तो यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, और यहाँ भी 1/2 आ जाएगा। इन तीनों को जब हम आपस में ज़रब देंगे तो हमारे पास 1/8 आ जाएगा, और यही टेल हेड टेल की प्रॉबेबिलिटी है। अब अगर आपको इस तरीके पे ज़्यादा भरोसा नहीं है तो फिर आप पहला तरीका इस्तेमाल करके इस जवाब को परख भी सकते हैं। ऐसा करें, आप ये काम करें और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में।